नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपने स्मार्टफोन के अंदर डेटास को किस प्रकार सेव करेंगे। अगर दोस्तों आप इंटरनेट का यूज करते हैं और आपके सिम का जो 1 GB 1.5 GB या 2 GB जो भी डेटा आपको मिलता है वो फुल ऑन वन डे नहीं चल पाता है, रात तक नहीं चल पाता है, दिन में ही खत्म हो जाता है। आप दिन भर यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक पर वीडियोज देख लेते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं, आपका काफी जल्दी अगर एज अ डेटा खर्च हो रहा है तो आप फिर ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपने डेटास को सेव करेंगे ताकि आपका जो इंटरनेट पैक है वो फुल ऑन वन डे चल पाए। तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, इसके माध्यम से आप अपने स्मार्टफोन का, किसी भी कंपनी का आपका स्मार्टफोन हो, आप अपने स्मार्टफोन के अंदर डेटास को सेव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इंटरनेट डेटा काफी कम समय में कैसे खर्च होता है, इसका क्या समाधान है? अगर आपका भी इंटरनेट पे काफी जल्दी खत्म हो रहा है और आप इसका एक सटीक एंड सही समाधान जानना चाहते हैं तो वो आपके मोबाइल के अंदर डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल के अंदर कितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर रनिंग कर रहे हैं। जैसे आईफोन में तो यार काफी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करते ही नहीं, क्योंकि कभी कभार मैं वीडियोज भी अपलोड करता हूँ आईफोन के जरिए तो वीडियो अटक जाता है, अगर मैं बैकग्राउंड में छोड़ देता हूँ तो अपलोड होना बंद हो जाता है। तो आईफोन 13 में यूज करता हूँ तो इसके अंदर तो यह समस्या नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर यह समस्या है। आप कुछ भी करेंगे बैकग्राउंड में आपका डेटा रनिंग होता रहेगा। तो इस प्रकार आपका इंटरनेट काफी कम समय में खत्म हो जाता है। अगर आपकी भी यह समस्या है और आप अपने स्मार्टफोन के डेटा पैक को सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलकर बताने वाला हूं। दोस्तों आपको हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन साइट पर नजर आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर किस प्रकार डेटास को सेव करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन किसी भी कंपनी का हो सकता है, मैं सैमसंग का यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे सैमसंग कंपनी के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं। अब आप सैमसंग के अलावा किसी भी कंपनी का अगर स्मार्टफोन यूज करें, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, पोको, एवरी, कोई वेरी नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम सैमसंग पर हैं और मैं सैमसंग के सेटिंग पर आपको ले चलने वाला हूं। आपका जिस भी कंपनी का सेटिंग्स हो, जिस भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, उसका सेटिंग पर आप चले जाएं। सेटिंग पर जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर कुछ इस टाइप का इंटीरियर हमारे सामने आ जाता है। इस इंटीरियर के अंदर दोस्तों हमें यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है कनेक्शन सेटिंग्स का। इस कनेक्शन सेटिंग्स के अंदर हमें क्लिक करना होगा। कनेक्शन सेटिंग्स के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने काफी ऑप्शंस यहां पर आ जाते हैं। इसके अंदर जो मेन एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो होता है डेटा यूजिंग का। डेटा यूजेज पर आपको क्लिक करना है। डेटा यूजेज क्या है वैसे मैं आपको समझा भी देता हूं। अब आप चाहे वाईफाई से यूज करें, चाहे इंटरनेट स्टोरेज से यूज करें, यूज किया जाने वाला डेटा, जिसे इंटरनेट पैक डेटा भी बोलते हैं, हम इंटरनेट डेटा भी बोलते हैं और ओनली डेटा भी बोलते हैं, तो वो आपको डेटा यूजेस के अंदर देखने को मिलेगा। डेटा यूजेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा बता दिया है कि इन्होंने हमने इंटरनेट अपने मोबाइल से कितना डेटा खर्च करा है। इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेटा सेवर का। दोस्तों डेटा सेवर क्या होता है? किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, बचत करने के लिए डेटा सेवर का यूज में लिया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है ताकि हमारे स्मार्टफोन का डेटा काफी जल्दी खत्म होने से बचा सके, इसलिए हम डेटा सेवर को यूज में लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे जैसे आप ऑन कर देते हैं तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि आपका जो स्मार्टफोन के अंदर मल्टीपल डेटास होते हैं, एप्लीकेशन होती है जिनका बैकग्राउंड में रनिंग स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, और इस कारण आप अपने डेटास को काफी हद तक सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तो एक मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपको एक और बता देता हूं, फिर इनके एडवांटेज भी एंड में आपको समझाने वाला हूं कि क्या है। वैसे तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, इसके लिए हम एक और सिस्टम चला करने वाले हैं।
बेक निकलेंगे, मतलब बेक नहीं निकलना, स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड। अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड ये आपके डेटा को हाई स्पीड में सेव करता है, काफी ज्यादा डेटा को सेव करता है। चाहे आप यूट्यूब वीडियोज देखें, फेसबुक पर देखें, मल्टीपल डेटा का अगर आप ऐसे खर्च हो रहा है उनकी बचत करने के लिए ये अल्ट्रा डेटा सेविंग ऐप आपके लिए काफी ज्यादा काम का है। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये यूज़ ये वाला, यहां से आपको इसे ऐसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका जो अल्ट्रा डेटास खर्च हो रहा है उस डेटास को आप सेव कर सकते हैं, उस डेटास की आप बचत करते हैं। दोस्तों यहां पर हम इसे एक्टिवेट करेंगे, अलाउ करेंगे यानी अनेबल कर लेंगे। अनेबल करने के बाद दोस्तों अनेबल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, विद इन कुछ सेकंड्स या मिनट से कम लग जाएगा। अब आप अगर कम यूज़ करते हैं तो आपका मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। फिर आपका अल्ट्रा डेटा सेविंग ऐसा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपके स्मार्टफोन के अंदर जो ये समस्याएँ हैं दोस्तों, ये इंटरनेट वाली, इन समस्याओं से आप बच सकेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड आपके इंटरनेट डेटास को सेव करता है। इससे आपके स्मार्टफोन के अंदर आप हाई स्पीड डेटास को सेव करेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जो चल रही डेटा सेविंग की समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज के इस वीडियो में हमने सीखा। इसका एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है। काफी बार हम काफी ज्यादा डेटा को सेव करते हैं तो उस स्थिति में द सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, उस सिचुएशन में आपके स्मार्टफोन के अंदर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं तो उनकी हायर क्वालिटीज़ आपको नहीं दिखेगी, फेसबुक पर आपको हाई क्वालिटीज़ नहीं दिखेगी, इंस्टाग्राम रील्स में आपको वो क्वालिटीज़ नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए थी। अगर आप 1080p में या आपको इससे ऊपर वाले वर्जन चलाते हैं, 4K की वीडियोज़ देखते हैं, 8K की वीडियोज़ देखते हैं तो वो क्वालिटीज़ आपको नहीं दिख पाएगी। लेकिन फिर भी अगर एवरेज क्वालिटी में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा सेव हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप फॉर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए और शानदार वीडियोस के लिए आप फॉर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।